हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर का टॉपिक है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। इसमें हम पढ़ेंगे इसकी बेसिक इंट्रोडक्शन, इसके कौन कौन से पास्टुलेट्स हैं, और इसके अलावा हम कुछ एनर्जी लेवल डायग्राम्स पढ़ेंगे कुछ मॉलिक्यूल्स के लिए, कुछ मॉलिक्यूलर आयंस के लिए, सच एज H2, H2 पॉजिटिव, H2 नेगेटिव एंड HE2 इवन। HE2 मॉलिक्यूल वैसे तो एग्जिस्ट नहीं करता, दैट्स व्हाई वी आर कंसीडरिंग इट एज हाइपोथेटिकल मॉलिक्यूल। एंड इन एडिशन टू दिस, कुछ बेसिक टर्म्स जो यूज़ की जाती है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ये जो बेसिक टर्म्स हैं, दे कैन बी बॉन्ड ऑर्डर एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। सो लेट्स स्टार्ट विद द मेन पास्टुलेट्स ऑफ द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। द वेरी फर्स्ट पास्टुलेट इज द एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ कंपेरेबल एनर्जी एंड प्रॉपर सिमेट्री कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। जैसा कि हमने पीछे हाइब्रिडाइजेशन के केस में स्टडी किया था, एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन करते हैं और हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाते हैं, बट यहाँ पे हम हाइब्रिड ऑर्बिटल्स वर्ड यूज़ नहीं करेंगे, यहाँ पे वर्ड यूज़ करेंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। तो वहाँ पे एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन करके हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बना रहे थे, यहाँ पर एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन करके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बना रहे हैं। सिमिलर टू दैट कंसेप्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, वहाँ पे भी हमने यही स्टडी किया, जितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन करते हैं उतने ही क्या बनते थे, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनते थे। यहाँ पे भी सेम वैसे ही होगा, द नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स फॉर्म्ड इज इक्वल टू द नंबर ऑफ कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल्स। मीन्स जितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन करेंगे उतने ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनेंगे। द नेक्स्ट पॉइंट इज कि व्हेन टू एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन, टू न्यू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स आर फॉर्म्ड। सो वन इज कॉल्ड बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एंड द अदर वन इज कॉल्ड एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ये जो है ये अलग है एज कम्पेयर टू हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, क्योंकि हाइब्रिड ऑर्बिटल्स में जो हमने स्टडी किया था इन द कॉन्सेप्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, के यू एवरी हाइब्रिड ऑर्बिटल इज आइडेंटिकल इन इट्स शेप एंड इक्वल इन इट्स एनर्जी, बट यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन करेंगे और अलग अलग टाइप के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनाएंगे। अगर चार एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन करते हैं तो उनमें से दो बॉन्डिंग होंगे, दो एंटी बॉन्डिंग, मीन्स 50% बॉन्डिंग बनाएंगे और 50% एंटी बॉन्डिंग बनाएंगे। इनमें जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं, दे हैव लो एनर्जी एज कंपेयर टू द एटॉमिक ऑर्बिटल्स फ्रॉम विच दे आर फॉर्म्ड। जिन एटॉमिक ऑर्बिटल्स से बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बन रहे हैं, उन एटॉमिक ऑर्बिटल्स के कंपैरिजन में बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की एनर्जी कम होगी, और जो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं उनकी एनर्जी हमेशा ज़्यादा होगी एज कंपेयर्ड टू द एटॉमिक ऑर्बिटल्स फ्रॉम विच दे आर फॉर्म्ड। मतलब सीधा सा है, बॉन्डिंग वाले ऑर्बिटल जो हैं उनकी एनर्जी कम होनी है और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की एनर्जी ज़्यादा होगी, किससे, उन एटॉमिक ऑर्बिटल्स से जिनसे वो बने हैं। अब क्योंकि बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की एनर्जी कम है, और हम ये जानते हैं अकॉर्डिंग टू ऑफ वो प्रिंसिपल कि जिन ऑर्बिटल्स की एनर्जी कम होगी पहले उनको फिल करते हैं, यही रीजन है कि बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स आर फिल्ड फर्स्ट बिकॉज दे हैव लो एनर्जी, और क्योंकि इनकी एनर्जी कम है सो दे स्टेबलाइज द मॉलिक्यूल। ओके, सो ऑब्वियस सी बात है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन विल बी मोर इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। इन कॉन्ट्रास्ट टू बॉन्डिंग, एंटीबॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स वो तभी भरे जाएंगे जब बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स को हम फिल कर चुके हैं। उसका रीजन क्या है, क्योंकि एंटीबॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स दे हैव हायर एनर्जी, और हायर एनर्जी वाले ऑर्बिटल्स हमेशा ही मॉलिक्यूल को डीस्टेबलाइज करेंगे। मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इन एंटीबॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स इज लो एज कंपेयर टू बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज, जो इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करनी है हमने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में, कौन कौन से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बने, दे आर बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स एंड एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। इनमें जो इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग की जाएगी दैट विल बी अकॉर्डिंग टू एनर्जी। जिन ऑर्बिटल्स की एनर्जी कम होगी उनको पहले फिल करना है, जिन ऑर्बिटल्स की एनर्जी ज़्यादा होगी उनको बाद में फिल करना है। तो ये तो था आवो प्रिंसिपल, और आवो प्रिंसिपल के अलावा बाकी जो प्रिंसिपल्स हमने पढ़े हुए हैं कौन कौन से, हंट्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, एंड जो भी ऊपर डिस्कस किया आवो प्रिंसिपल, ये सारे रूल फॉलो किए जाएंगे ड्यूरिंग द फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स।
मीन्स अगर हम बात करते हैं हंड्स रूल की, तो अगर ऑर्बिटल्स सेम एनर्जी के हमारे पास बन जाते हैं लाइक दिस, अगर सेम ऑर्बिटल्स सेम एनर्जी के ऑर्बिटल्स बनते हैं तो इनमें पहले एक एक करके इलेक्ट्रॉन फिल करना है, उसके बाद पेयरिंग शुरू करनी है। ये तो है हंड्स रूल। पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल सेज दैट एन ऑर्बिटल कैन हैव मैक्सिमम ऑफ टू इलेक्ट्रॉन्स विद अपोजिट स्पिन। तो अगर हमें किसी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स फिल करने हैं तो उसमें मैक्सिमम हम दो ही इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे और उनके स्पिन हमें अपोजिट रखनी है। और अब वो प्रिंसिपल का आपको बता दिया, पहले वो ऑर्बिटल्स फिल करने हैं जिनकी एनर्जी कम है, जब वो भर जाएंगे तब बारी आएगी उन ऑर्बिटल्स की जिनकी एनर्जी ज़्यादा है। वन मोर थिंग, जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं उनको रिप्रेजेंट करते हैं सिग्मा पाई डेल्टा, ओके। और जो एंटी बॉन्डिंग है वो इन्हीं सिंबल से रिप्रेजेंट करेंगे, बट डिफरेंस क्या होगा, दे विल बी मार्क्ड एज स्टार, मींस सिग्मा स्टार पाई स्टार एंड डेल्टा स्टार। सो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स को रिप्रेजेंट करना है सिग्मा पाई डेल्टा से, और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स को रिप्रेजेंट करेंगे सिग्मा स्टार पाई स्टार एंड डेल्टा स्टार से। तो जो ओवरऑल कंक्लूजन यहाँ से ये है, जो बेसिक पॉइंट है, कि जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं वो कंबाइन किए अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, एमओटी थ्योरीज के लिए क्या देते हैं, तो नए हमारे पास जो ऑर्बिटल्स बने उनको कहना है हमने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। अब जितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन करें हैं उनके 50% क्या बन जाएंगे, बॉन्डिंग, और 50% क्या बन जाएंगे, एंटी बॉन्डिंग। बॉन्डिंग वाले लो होंगे एनर्जी में, इसलिए उनको पहले फिल करेंगे और वो मॉलिक्यूल को स्टेबलाइज करेंगे। एंटी बॉन्डिंग वालों की एनर्जी ज़्यादा होगी, इसलिए उनको बाद में फिल करना, वो डिस्टेबलाइज करेंगे। अब किसके कंपैरिजन में कम और ज़्यादा कर रहे हैं, उन एटॉमिक ऑर्बिटल्स के कंपैरिजन में जिनसे ये बने हैं, ओके। उसके बाद जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं उनमें प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन विल बी मोर एज कम्पेयर टू एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। बॉन्डिंग को रिप्रेजेंट करते हैं सिग्मा पाई डेल्टा से, और एंटी बॉन्डिंग को रिप्रेजेंट करते हैं सिग्मा स्टार पाई स्टार एंड डेल्टा स्टार से। वो सारे के सारे रूल्स जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स में यूज करते थे हम कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए, कौन कौन से, हंड्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल एंड ऑफ वो प्रिंसिपल, वो सारे के सारे रूल यहाँ पे भी अप्लाई होंगे। एग्जाम्पल स्टडी करने से पहले हम कुछ टर्मिनोलॉजी स्टडी करेंगे। तो पहला जो पॉइंट आता है वो है बॉन्ड ऑर्डर, फर्स्ट पॉइंट इज बॉन्ड ऑर्डर। अब ये बॉन्ड ऑर्डर है क्या, ये एक्चुअली रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन टू बॉन्डेड एटम्स, दो बॉन्डेड एटम्स के बीच में कितने बॉन्ड बने हुए हैं, दैट इज कॉल्ड बॉन्ड ऑर्डर। इसको चेक करने के लिए फॉर्मूला क्या है, बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू, वी विल कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स डिवाइड बाय 2। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर बॉन्ड ऑर्डर। तो यहाँ पे nb क्या है, nb इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, एंड व्हाट इज na, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। सो ये फॉर्मूला अप्लाई करके हम बड़े इजिली बॉन्ड ऑर्डर डिटरमाइन कर सकते हैं। जो नेक्स्ट है वो है मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज के बेस पे हम सब्सटेंस को दो तरह से डिवाइड करते हैं, एक करेंगे हम पैरा मैग्नेटिक और दूसरा होगा डाया मैग्नेटिक। पैरा मैग्नेटिक कौन से होंगे, हैविंग अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, और डायमैग्नेटिक कौन से होंगे, हैविंग नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। मेक श्योर हमें मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स चेक करने हैं, हमें एटॉमिक ऑर्बिटल्स नहीं देखने हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स दोनों ही, चाहे बॉन्डिंग हो चाहे एंटी बॉन्डिंग हो, उनमें कहीं पे भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होना चाहिए। अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो वो पैरामैग्नेटिक होगा, अगर वो अनपेयर्ड नहीं है कोई भी, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड हैं, देन दैट सब्सटेंस विल बी डायमैग्नेटिक इन नेचर। जो नेक्स्ट स्टेप हुआ था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जैसे हम एटॉमिक ऑर्बिटल्स का कॉन्फ़िगरेशन लिखते थे जब इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करते थे एटम में 1s2 2s2 2p6 एंड सो ऑन अकॉर्डिंग टू देयर एनर्जीज, वैसा ही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे भी हमें लिखना होता है। तो ये सारी चीज़ें स्टडी करने के लिए वी हैव टू डिस्कस फ्यू एग्जाम्पल्स। तो आज इस वीडियो लेक्चर में हम सिंपल एग्जाम्पल स्टडी करेंगे, और वो एग्जाम्पल्स किस किस की होंगी,
एच टू की, एच टू पॉजिटिव की एंड एच टू नेगेटिव आयन की, और साथ में एक हीलियम टू मॉलिक्यूल भी हम स्टडी करेंगे और देखेंगे कि फिजिबिलिटी इसकी है एग्जिस्ट करने की या नहीं है। सो द फर्स्ट एग्जांपल इज ऑफ एच टू मॉलिक्यूल। सो इन केस ऑफ एच टू मॉलिक्यूल वी हैव टू हाइड्रोजन एटम्स, ओके, एंड ईच हाइड्रोजन एटम इज हैविंग 1s1 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, ओके। सो दीज 1s ऑर्बिटल्स कैन बी शोन इन द फॉर्म ऑफ लाइन। आप किताबों में देख सकते हो, बुक्स में बेसिकली यहाँ पे कुछ ऑर्बिटल्स बना के दे देते हैं और कुछ हमें यहाँ इस तरह से जो सर्कल्स हैं ऐसे शो कर देते हैं, बट आई एम नॉट रिप्रेजेंटिंग देम एज बॉक्सेस और सर्कल्स। मैं सिंपल इनको एक लाइन की फॉर्म में शो कर रहा हूँ, एक ऑर्बिटल को एक लाइन की फॉर्म में रिप्रेजेंट यहाँ पे कर रहा हूँ। तो ये जो सिंगल लाइन है, इट इज रिप्रेजेंटिंग 1s ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन एटम ईच, ठीक है, और दोनों में एक एक इलेक्ट्रॉन है। अब क्योंकि एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं, दीज आर एटॉमिक ऑर्बिटल्स, ठीक है, ये एटॉमिक ऑर्बिटल एक हाइड्रोजन एटम का, ये एटॉमिक ऑर्बिटल दूसरे हाइड्रोजन एटम का। नाउ देयर आर टू एटॉमिक ऑर्बिटल्स, ओके, 1s 1s, दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं टोटल मिला के, तो दो ही नए ऑर्बिटल्स बनेंगे, ओके। मैंने आपको पहले भी कहा था, लास्ट जो अभी थ्योरी हमने स्टडी की है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के, जो पास्टुलेट्स पढ़े कि जितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन करेंगे उतने ही क्या बनेंगे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। तो यहां पे एटॉमिक ऑर्बिटल्स दो हैं, 1s of one atom and 1s of another atom. So we have only two atomic orbitals. और इन atomic orbitals से दो ही molecular orbitals बनेंगे। उनमें से एक की energy कम होगी और एक की energy ज़्यादा होगी। जिसकी energy ज़्यादा है वो ऊपर और जिसकी energy कम है वो नीचे। तो इस तरफ को हम draw करते हैं basically energy। एनर्जी का सीक्वेंस ही बढ़ रही है एनर्जी ऊपर की तरफ को। तो ये लोअर एनर्जी का ऑर्बिटल है और ये हायर एनर्जी का ऑर्बिटल है, ठीक है। तो इस तरह से इनको हम कनेक्ट कर देते हैं, जोड़ देते हैं। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग की। ये जो इलेक्ट्रॉन्स थे, एक हाइड्रोजन के पास भी एक इलेक्ट्रॉन था और दूसरे हाइड्रोजन के पास भी एक इलेक्ट्रॉन था, टोटल दो इलेक्ट्रॉन थे, ओके, एंड वी गेट टू इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन लोअर सेट ऑफ ऑर्बिटल, क्योंकि एक ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। सो ये बने हमारे पास मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स ऑफ हाइड्रोजन। इनमें से ये वाला जो है इसको कहेंगे हम बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, और जो ऊपर बना है इसको कहेंगे हम एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ओके। सो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का क्या नाम लिख दिया हमने, सिग्मा 1s। व्हाई सिग्मा 1s? बिकॉज हाइड्रोजन के s ऑर्बिटल्स दे ओवरलैप to always form a sigma bond. It is end-to-end overlap. Okay? That's why we are writing sigma 1s. इसी के counterpart हमने क्या लिख दिया ऊपर, sigma star 1s antibonding molecular orbitals के लिए। So this is the molecular orbital energy label diagram for H2 molecule. अब हम लिखते हैं इसका electronic configuration. तो क्या लिखेंगे, पहला जो bonding molecular orbital आया नीचे जो है sigma 1s है, इसमें दो electron है, और जो सिग्मा स्टार 1s है इट इज लाइंग वेकेंट। आप इसको लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमें मेन जो लिखना था वो था सिग्मा 1s2, ओके। सो वी हैव टू इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। लोअर सेट वाला जो है वो बॉन्डिंग है, हायर सेट वाला जो है वो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। अब हम बात करते हैं बॉन्ड ऑर्डर की। तो बॉन्ड ऑर्डर के लिए बताया आपको, नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स ओवर टू। यहां बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, दो, यही बॉन्डिंग ऑर्बिटल है, इसमें सिर्फ और सिर्फ दो इलेक्ट्रॉन आए हमारे पास, एंटी बॉन्डिंग खाली पड़ा है, ये देख लो, दिस ऑर्बिटल इज लाइंग वेकेंट, डिवाइड बाई टू, सो वी गेट द आंसर 1। 2 - 0 2 ओवर 2 इज इक्वल टू 1। सो ऑब्वियस ही बात है, और आपने कई बार ये देखा भी है कि दो हाइड्रोजन एटम्स के बीच में सिर्फ एक ही बॉन्ड एग्जिस्ट करता है। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज के केस में दिस मॉलिक्यूल इज डाया मैग्नेटिक। वाई सो, बिकॉज वी हैव नो अनपेड इलेक्ट्रॉन। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में एक पेयर है, एंटी बॉन्डिंग खाली है, कोई भी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में कोई भी अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है। सो दिस मॉलिक्यूल इज डाया मैग्नेटिक इन नेचर, बॉन्ड ऑर्डर इज 1। नेक्स्ट एग्जाम्पल जो है, जो हम स्टडी करने जा रहे हैं वो है एच टू पॉजिटिव की। एच टू मॉलिक्यूल और एच टू पॉजिटिव को अगर कंपेयर करें तो वी कैन इजिली चेक दैट देर इज लॉस ऑफ वन इलेक्ट्रॉन। सो हम इस तरह से इसको मेंशन कर सकते हैं कि एक तो एच ही रहा जिसमें 1s1 था, और एक बन गया एच पॉजिटिव जिसमें 1s0 कॉन्फ़िगरेशन आ गया। तो इसकी डायग्राम कैसे बनेगी, यू कैन सी नाउ,
एक हाइड्रोजन का एटॉमिक ऑर्बिटल है, ये एच पॉजिटिव का एटॉमिक ऑर्बिटल है। जो हाइड्रोजन वाला है उसमें एक इलेक्ट्रॉन है 1s1 में, बट एच पॉजिटिव वाले में एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है बिकॉज ऑफ दैट पॉजिटिव चार्ज। सो ओनली दिस एटम इज हैविंग वन इलेक्ट्रॉन। दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं, एटॉमिक ऑर्बिटल्स आते हैं, इलेक्ट्रॉन हो चाहे ना हो। सो वी गॉट टू मॉलिकुलर ऑर्बिटल। लोअर वाला जो है दैट इज बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल, जो हायर वाला है वो है एंटी बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल। अब क्योंकि एटॉमिक ऑर्बिटल्स में एक ही इलेक्ट्रॉन है तो बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल में भी सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन आएगा, और इसको क्या नाम देंगे, लोअर वाले को सिग्मा 1s और जो हायर वाला है एंटी बॉन्डिंग उसको नाम देंगे सिग्मा स्टार 1s। सो अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखना हो तो वी कैन राइट इट एज सिग्मा 1s वन इलेक्ट्रॉन, सिग्मा स्टार 1s नो इलेक्ट्रॉन। बॉन्ड ऑर्डर की अगर बात करें तो बॉन्ड ऑर्डर विल बी नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स ओवर 2। बॉन्डिंग में एक इलेक्ट्रॉन है, एंटी बॉन्डिंग में कोई नहीं है, ओवर 2। सो बॉन्ड ऑर्डर इज 0.5। और अगर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज की बात करें तो वी कैन नाउ सी दैट देयर इज प्रेजेंस ऑफ वन अनपेड इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल, हेंस इट इज पैरा मैग्नेटिक इन नेचर। दिस मॉलिक्यूल इज पैरा मैग्नेटिक इन नेचर बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। सो दिस इज द केस फॉर H2 पॉजिटिव। जो नेक्स्ट मॉलिक्यूल हम स्टडी कर रहे हैं बेसिकली वो मॉलिक्यूलर आयन ही है, एंड दैट इज H2 नेगेटिव। नाउ H2 नेगेटिव वी कैन सी नाउ देर इज वन हाइड्रोजन एटम एंड वन H नेगेटिव आयन हाइड्राइड। सो 1s1 और नेगेटिव है तो इसका कन्फर्मेशन होगा 1s2 बिकॉज वी हैव वन एडिशनल इलेक्ट्रॉन। सो दीज आर दी टू एटॉमिक ऑर्बिटल्स, वन ऑफ हाइड्रोजन एंड वन ऑफ H नेगेटिव। ओके, H जो है उसमें एक इलेक्ट्रॉन है और जो H नेगेटिव है उसमें दो इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब क्योंकि एटॉमिक ऑर्बिटल्स दो ही हैं, दो ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की फॉर्मेशन होगी। ओके, लोअर वाले को अगेन वैसे जैसे पहले कहा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहना है, हायर वाले को कहना है एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। नाउ वी हैव टोटल 3 इलेक्ट्रॉन्स, वन फ्रॉम दिस एटम एंड वन फ्रॉम दिस H नेगेटिव, 2 फ्रॉम दिस H नेगेटिव आयन। सो टोटल वी हैव 3 इलेक्ट्रॉन्स। नाउ यू कैन सी दैट 2 इलेक्ट्रॉन्स विल बी प्रेजेंट इन लोअर सेट ऑफ ऑर्बिटल्स एंड 1 इलेक्ट्रॉन विल बी प्रेजेंट इन हायर सेट ऑफ ऑर्बिटल। लोअर सेट वाले का क्या नाम था, सिग्मा 1s, और जो हायर सेट वाला था जिसको हम एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कह रहे हैं वह है सिग्मा स्टार 1s। सो दीज आर दी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स ऑफ H2 नेगेटिव आयन। सो अब इसका अगर इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन लिखना तो वो क्या लिखेंगे, इट इज सिग्मा 1s 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड सिग्मा स्टार 1s 1 इलेक्ट्रॉन। ओके, और बॉन्ड ऑर्डर किसके बराबर आएगा, नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, देर आर 2 इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल एंड 1 इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल, ओवरऑल वी विल गेट 0.5। एंड एज फार एज द मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज आर कंसर्न्ड, सो इट इज ऑल्सो पैरा मैग्नेटिक बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन सिग्मा स्टार 1s ऑर्बिटल। ओके, सो दैट्स व्हाई इट्स मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज आर बेसिकली पैरा मैग्नेटिक। सो नाउ अगर कंपैरिजन किया जाए, यहां पे हमने चेक किया था बॉन्ड ऑर्डर वाज 1, यहां पे हमने बॉन्ड ऑर्डर चेक किया बॉन्ड ऑर्डर वाज 0.5, इस केस में बॉन्ड ऑर्डर आया H2 नेगेटिव केस में 0.5। नाउ वी हैव टू मॉलिकुलर स्पीशीज H2 पॉजिटिव एंड H2 नेगेटिव, दोनों का जो बॉन्ड ऑर्डर आ रहा है वो सेम है 0.5 0.5। 0.5 इज नॉट रिप्रेजेंटिंग कि जो बॉन्ड है वो हाफ रह गया है, ये चीज थोड़ी ध्यान रखनी है। बच्चे कभी कभी ये कंफ्यूज कर जाते हैं कि बॉन्ड ऑर्डर 1 का मतलब है 1 बॉन्ड और बॉन्ड ऑर्डर हाफ का मतलब है आधा बॉन्ड रह गया। नो, इट इज नॉट आधा बॉन्ड रह गया, एक्चुअली फोर्स हाफ रह गई। अगर पहले फोर्स को हम 1 कह रहे थे कि फोर्स 1 है, तो अब हम कहेंगे फोर्स जितनी पहले थी उसकी हाफ रह गई H2 पॉजिटिव और H2 नेगेटिव के केस में। अब क्योंकि दोनों में यहाँ पे फोर्स जो है मींस जो बॉन्ड ऑर्डर है वो दिख रहा है कि 0.5 है, इट मींस दे शुड बी इक्वली स्टेबल, दोनों एक जैसे स्टेबल होने चाहिए थे क्योंकि दोनों का बॉन्ड ऑर्डर सेम है, बट स्टिल H2 पॉजिटिव इज मोर स्टेबल देन H2 नेगेटिव। सो दिस इज द ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। नो, व्हाई सो, अगर आप डायग्राम ध्यान से देखो यू विल सी
कि जो H2 नेगेटिव है, इस H2 नेगेटिव में वन इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और हम पहले ही कह चुके हैं एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो है दे डीस्टेबलाइज द मॉलिक्यूल, और क्योंकि इनकी एनर्जी ज्यादा है ये मॉलिक्यूल अनस्टेबल होंगे। सो ऑब्वियस बात है H2 नेगेटिव अनस्टेबल होगा ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वन इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, वेयर एज इन केस ऑफ H2 पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन सिर्फ बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में प्रेजेंट है, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है। सो आई होप यू विल गेट इट नाउ कि H2 पॉजिटिव ज्यादा स्टेबल क्यों है एज कम्पेयर टू H2 नेगेटिव इन स्पाइट ऑफ हैविंग सेम बॉन्ड ऑर्डर। द नेक्स्ट एग्जाम्पल इज ऑफ HE2 मॉलिक्यूल। नाउ HE2 मॉलिक्यूल डज नॉट एग्जिस्ट, दैट्स वाई वी हैव रिटन हेयर इज हाइपोथेटिकल। सो इसमें भी लाइक हाइड्रोजन एटम हम दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स बनाएंगे, एक एक हीलियम एटम के लिए और दूसरा एटॉमिक ऑर्बिटल दूसरे हीलियम एटम के लिए, और हीलियम का कॉन्फ़िगरेशन यू नो इट इज 1s2, तो दूसरे हीलियम का भी कॉन्फ़िगरेशन 1s2 ही आएगा। तो हमारे पास ये कॉन्फ़िगरेशन आ गया है, दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल्स में दो दो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। अब क्योंकि एटॉमिक ऑर्बिटल्स दो थे तो नए ऑर्बिटल भी दो ही बनेंगे, लोअर वाले सेट को कहेंगे हम बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और जो हायर वाला है उसको कहेंगे हम एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ये एनर्जी का सीक्वेंस आ जाएगा, एनर्जी बॉन्डिंग वालों की कम है, एंटी बॉन्डिंग वालों की ज़्यादा है एज कम्पेयर टू द एटॉमिक ऑर्बिटल जिनसे वो बन रहे हैं। अब दो दो इलेक्ट्रॉन है तो टोटल चार इलेक्ट्रॉन होंगे, दो नीचे वाले ऑर्बिटल में मीन्स बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में प्रेजेंट होंगे और दो इलेक्ट्रॉन्स एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में प्रेजेंट होंगे। नाम लिखने हो तो अगेन सिग्मा 1s लोअर सेट ऑफ ऑर्बिटल के लिए और सिग्मा स्टार 1s हायर सेट ऑफ ऑर्बिटल्स के लिए जो बेसिकली एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। सो दीज आर द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स ऑफ हीलियम 2। अब हम लिखते हैं इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा, सिग्मा 1s 2 इलेक्ट्रॉन्स, सिग्मा स्टार 1s 2 इलेक्ट्रॉन्स। हमें सीक्वेंस वाइज चलना है, जो सबसे नीचे है पहले उसको लिखना है, फिर सो ऑन जो ऊपर आता जाएगा उसको हम लिखते जाएंगे। ऐसा हम हायर मॉलिक्यूल्स के केस में भी करेंगे। बॉन्ड ऑर्डर अगर चेक करना हो तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स माइनस एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स ओवर 2। सो बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2, एंटी बॉन्डिंग में कितने हैं, 2/2, आंसर इज 0, 2 - 2 इज 0। सो यहां पे बॉन्ड ऑर्डर 0 है, मींस नो फोर्स विल एग्जिस्ट बिटवीन हीलियम एटम्स, दस HE2 मॉलिक्यूल डज नॉट एग्जिस्ट, ये मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करता है बिकॉज बॉन्ड ऑर्डर इज 0। ऐसा ही कुछ रिजल्ट हमने निकाला था इनकेस ऑफ एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम हीलियम के लिए जो बनाई थी, वहाँ पे भी हम पढ़ रहे थे कि रिपल्शंस आर ऑलवेज ग्रेटर देन अट्रैक्शंस, इसलिए दो हीलियम के एटम कभी भी कंबाइन नहीं करेंगे। यहाँ से भी वो चीज़ कंफर्म होगी कि दो हीलियम के एटम्स में कोई भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्ट नहीं कर रही है। ओके, सो दिस वर द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल लेबल डायग्राम्स, वेरी बेसिक और सिंपल डायग्राम्स। अगले वीडियो लेक्चर्स में हम कुछ कम्प्लेक्स मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एनर्जी लेवल डायग्राम्स के बारे में स्टडी करेंगे। ओके, थैंक यू।